कैंसर का इलाज हुआ अब पेनलेस और ऐसा संभव हुआ साइबर नाइफ S7 से। देश की पहली साइबर नाइफ S7 मेरठ के मवाना रोड स्थित वैलेंटाइन कैंसर हॉस्पिटल में मरीजों की सुविधा के लिए स्थापित की गई है। मेरठ शास्त्री नगर में भाजपा नेता चंद्रमोहन गोयल के घर पर धावा बोलकर लूटपाट करने वाले दो बदमाशों को पुलिस ने आज गिरफ्तार कर मीडिया के समक्ष पेश किया। 27 जून को लूट की इस घटना को अंजाम देने वाले बदमाशों में से एक गौरव उस नर्स का सगा भाई है जो बुजुर्ग दंपति के घर पर काम करती है। जाने अनजाने उससे मिली जानकारी के आधार पर ही लूट की इस घटना को अंजाम दिया गया था। चंद्रमोहन गोयल भाजपा व्यापारी नेता मनीष शारदा के ताऊजी हैं। वह शास्त्री नगर डी ब्लॉक सेंट्रल मार्केट के पास मकान नंबर F44 में रहते हैं। वारदात के वक्त बुजुर्ग दंपत्ति के अलावा मां नौकरानी भी थी। तीनों को ही बंधक बनाकर बदमाशों ने एक कमरे में बंद कर दिया था। दूसरे बदमाश का नाम अभिषेक है। आज मीडिया को SP सिटी आयुष विक्रम सिंह ने यह जानकारी दी। देखिए, थाना नौचंदी क्षेत्र में शास्त्री नगर के में एक बुजुर्ग दंपत्ति के घर में 27 जून को एक लूट हुई थी, जिसके अनावरण के लिए CO सिविलेंस में SOG एवं थाना नौचंदी पुलिस की टीम लगाई गई थी। इस घटना का सफल अनावरण कर लिया गया है। उसमें दो लड़के पकड़े गए हैं, एक का नाम गौरव और एक का नाम अभिषेक है। गौरव जो है वो जो बुजुर्ग दंपत्ति थे उनके घर में एक नर्स काम करती थी नेहा, उसका ये भाई है। नर्स करीब 2 साल से वहाँ पे काम कर रही थी और जितना भी पैसा वगैरह था जो भी होता था वो जो दंपत्ति थे उनको दे देते थे रखने के लिए। तो ये सूचना ये अपने घर पे देती रहती थी कि कितने ये हमें इतना इतना पैसा देते रहते हैं, ज्वेलरी वगैरह मुझे रखने के लिए देते हैं। तो घर से ये सूचना गौरव को मिली कि इस घर में करीब 2.5 लाख रुपये के आसपास रखे हुए हैं, इसको पैसों की ज़रूरत थी। तो करीब 1 महीने पहले जो गौरव और अभिषेक हैं ये लोग दिल्ली में एक कैब चलाते वक्त मिले थे। वहाँ पे इन्होंने प्लानिंग की कि हम लोग इसमें इस घर में करीब 2.5 लाख रुपए के आसपास हैं जो हम आराम से ले सकते हैं और बुजुर्ग दंपत्ति तो ईजिली ओवर पावर कर सकते हैं। तो 26 तारीख को जब इसकी बहन जो नेहा है वो और घर की मेड छुट्टी पर जा रही थी, जैसे इसको पता चला तो 27 तारीख को करीब 1 बजे ये दोनों बागपत अड्डे पर आए। वहाँ से इन्होंने करीब एक जो इसका भाई गौरव ही पहले भी इसके घर में एक बार आ चुका है 8 महीने पहले, तो उसे रास्ता बताता कहाँ पे घर है और अंदर इसने एक बार देख रखा था। फिर वहाँ से इसने गूगल मैप लगाया, यहाँ पे आए हैं। उसके बाद 2 बार इन्होंने एक बार रेकी की है घर का चेक करने के लिए कौन सा घर है, गेट पता किया, घर के एंटर किया इन्होंने। इन्होंने फिर बताया कि हम गवर्नमेंट की तरफ से आए हुए हैं और दरवाज़ा खोलने का प्रयास किया फंड के लिए। जैसे इन्होंने दरवाज़ा खोला था ये ओवर पावर कर लिया था और इसके बाद इन लोगों को ले आके एक रूम में बंद कर दिया गया था तथा अलमारी से जहाँ पे इसकी बहन सोती थी केवल उसी अलमारी को इन्होंने खोला था। वहाँ से करीब 2 लाख रुपये इन्हें मिले थे, इसमें से 1-1 लाख रुपये इन दोनों लोगों ने आपस में बांट लिए थे। इसमें में हमें करीब करीब 72,000 रुपये कैश मिला है। एक आईफोन जो 25,000 रुपये का था जो इसके द्वारा देहरादून से खरीदा गया था वो हमने रिकवर किया है। साथ में 62,000 रुपये गौरव के अकाउंट में है वो हमने फ्रीज कर दिया है और जो कुछ बाकी जो बचे हुए पैसे इन्होंने खर्च इनके द्वारा बताया गया खर्च कर दिया गया। इन दोनों को ही अब माननीय अदालत सामने पेश करके अब विधिक कार्रवाई की जाए। सर बिल्कुल ब्लाइंड केस था ये, किस तरीके से आप इन तक पहुंचे, कैसे आए पुलिस? देखिए, इसमें SOG टीम ने काफ़ी मेहनत की है इसके अंदर और इसमें जो हमने लोकेशन वगैरह और आसपास मुखबिर खास से जो हमें सूचना मिली थी CCTV में भी हमें कुछ उनकी शक्ल दिख रही थी, उसके आधार पर हमने SOG टीम ने तलाश में इनको स्टार्ट किया, आसपास मुखबिर से सूचना ली और उसके बाद इनको प्रेस आउट किया। अधिक क्रिमिनल हिस्ट्री अभी हम लोग पता कर रहे हैं। अभी जैसा कि मैंने बताया कि अभी इनका जो अभी तक हमें पता चले अभी पहला ही मुकदमा इनके ऊपर लिखा गया है, इससे पहले अभी तक जेल नहीं गए हैं कभी भी। और जैसे इनका द्वारा बताया गया कि आर्थिक तंगी कहीं ना कहीं जो गौरव है उसको वो शेयर मार्केट में पैसे लगाता है असल में, तो उसने कहीं कुछ 15,000 रुपये किसी से उधार ले रखा था, उस उधार को चुकाने के लिए इसने ऐसा प्लान बनाया। देखिए, इन्होंने सोचा था, जैसे मैंने बताया 1 महीने पहले इन्होंने सोचा था, बीच में 1-2 बार ये लोग मिले भी हैं, इसमें करीब 15 दिन पहले भी मिले थे ये लोग, लेकिन उस समय क्योंकि घर में कोई ना कोई मौजूद रहता था। इस बार भी जब ये लोग आए थे तो इनको उम्मीद थी कि केवल बुजुर्ग दंपत्ति घर में मिलेंगे, लेकिन उनकी मेड भी उस समय कुक भी साथ में थी, ये इनके लिए अनएक्सपेक्टेड था। तो प्लानिंग पहले से इनकी चल रही थी कहीं ना कहीं, उसको 27 तारीख को इन्होंने एग्जीक्यूट किया है। नहीं, अभी पूछताछ हमने की है उसमें नर्स का रोल नहीं पाया गया, कहीं ना कहीं वो जो
अनजाने जाने में जो इसके द्वारा बताया गया जो भी सूचना दी गई घर पे उसका भी इसमें फायदा होता है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट डॉट टीवी। नमस्कार।